Hello and welcome to Elvestech. Today we will discuss how to pass AWS Cloud Practitioner exam in 1 week. Exactly, जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली AWS Cloud Practitioner का एग्जाम पास किया है और वो एग्जाम मैंने कैसे पास किया, मैंने प्रेपरेशन कैसे की और मैंने एग्जाम के लिए अपीयर कैसे हुआ। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस रिकॉर्डिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम उस्मान है और मुझे 8 ईयर्स हो चुके हैं IT इंडस्ट्री में काम करते हुए और क्लाउड AWS स्पेशली AWS और DevOps पे काम करते हुए मुझे 4 ईयर्स हो चुके हुए हैं और AWS का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का एग्जाम मैंने पहले पास कर लिया था। रिसेंटली मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर की प्रेपरेशन की और उसके बाद मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर के एग्जाम के लिए अपेयर हुआ और मेरा जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो सर्टिफिकेट है वो ये है। इस पूरे टॉपिक के अंदर जो अभी हम छोटा सा डिस्कस करेंगे कि आप लोगों में से किसको एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहिए और कौन कौन से रिसोर्सेज और मटेरियल्स जो है वो प्रेपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा अपने एग्जाम की प्रेपरेशन में भी और एग्जाम को पास करने के लिए। तो हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम को रजिस्टर कैसे करना है और एग्जाम के लिए आपको कौन सा मेथड चूज करना चाहिए कि आप क्या ऑन साइट जाके एग्जाम देना चाहते हैं किसी टेस्टिंग सेंटर में या आप ऑनलाइन प्रॉक्टर के थ्रू आप कैसे एग्जाम दे सकते हैं, वो भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि किस पे ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो एग्जाम की जो अगर आपके पास IT का एक्सपीरियंस है, अगर आप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या IT से बिलोंग करते हैं, मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि इस एग्जाम के लिए कोई भी अपीयर हो सकता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट्स नॉट अ टफ थिंग टू मैनेज। आप इसकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप क्लाउड की बेसिक नॉलेज जो रिक्वायर्ड है इस एग्जाम के लिए वो आप ले सकते हैं। लेकिन किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए वो मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कहूँगा कि AWS का जो अकाउंट है वो आप फ्रीली क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू AWS की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपको अकाउंट क्रिएशन का करना चाहिए। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद फिर आपके पास 1 साल तक के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल होते हैं। AWS आपके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ $1 चार्ज करता है जब आप क्रेडिट कार्ड अपना कनेक्ट करते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वो $1 भी रिफंडेबल होता है जब आप अपना अकाउंट आप डिसेबल कर देंगे। बट आपके पास 1 ईयर तक काफ़ी रिसोर्सेज इस तरह के होते हैं जिससे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये ज़रूर काम करना चाहिए, बिकॉज विदाउट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, विदाउट हैंड्स ऑन नॉलेज मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी एग्जाम के लिए अपीयर हो। तो आप बात करते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। स्टार्टिंग करने के लिए आपको AWS की अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर बेपना चैनल्स पे क्लाउड प्रैक्टिशनर की एग्जाम की प्रिपरेशन अवेलेबल है, मेरा अपना AWS का कोर्स है, मेरी Elvestech की वेबसाइट के ऊपर वो कोर्स अवेलेबल है, आप उधर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। AWS की बेसिक नॉलेज आपके पास जब आ जाएगी, आपको AWS की बेसिक सर्विसेज का नॉलेज, जो सबसे लास्ट पॉइंट था मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ AWS की सर्विसेज का, AWS की सर्विसेज का नॉलेज आपके पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक कौन सी सर्विसेज, कि आपको सर्वर्स कैसे, यानी कि इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टोरेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप डेटाबेसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो को फॉलो कर लें, किसी भी एक कोर्स को फॉलो कर लें, फ्रीली क्लाउड प्रैक्टिशनर की एग्जाम्स अवेलेबल हैं, आपके पास कॉन्टेंट अवेलेबल है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सर्वर्स क्रिएट करना, लाइक सर्वर्स को वहां पर इंस्टेंसेस कहते हैं उसको क्रिएट करना, डेटाबेसिस क्रिएट करना, स्टोरेजेस क्रिएट करना, वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि AWS के ऑफिशियल जो वाइट पेपर्स हैं, मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ कि आपको ऑफिशियल जो वाइट पेपर्स उनको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर से मोस्टली एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर एग्जाम के अंदर थ्रेटिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें इस तरह से नहीं है, कम क्वेश्चन होते हैं। ज्यादातर आपसे AWS के वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के बारे में पूछा जाता है। अब वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को तो मैं क्विकली एक्सप्लेन करूं, तो AWS वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप अपने आर्किटेक्चर को किस तरह से सबसे अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपने वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क के तमाम पार्ट्स को फॉलो कर लिया, उनको पढ़ लिया और उनको अंडरस्टैंड कर लिया, लाइक कि आपको ड्यूरेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है, आपको हाई अवेलेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है, अब इन चीज़ों को मैं डिस्कस इस शॉर्ट वीडियो में नहीं कर सकता, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ
एक एक टॉपिक को, वेल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को, फिर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को अलग अलग सेपरेटली डिस्कस करूँ ताकि मैं विद इन 5 मिनट्स को कवर कर सकूँ। सेकंड थिंग, AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को फॉलो करना है। अब AWS का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ये होता है कि कहाँ तक AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहाँ पर जाके यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक AWS हार्डवेयर को, जो डेटा सेंटर्स के अंदर लगे हुए हार्डवेयर को मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, उनकी मेंटेनेंस करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ AWS। उसके ऊपर सर्वर्स या इंस्टेंसेस जब आप रन कर लेते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशंस को रखना, उनको सिक्योर करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये चीजें डिस्कस की जाती है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर। AWS के सपोर्ट प्लान्स अवेलेबल हैं, बेसिक है, एंटरप्राइज अवेलेबल है, तो आप उन प्लान्स को एक दफा पढ़ लें कि कौन सा फीचर कौन सी सपोर्ट में, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस AWS आपको सपोर्ट में प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राइसिंग मॉडल्स, प्राइसिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बिलिंग को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। जिस तरह लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि AWS के अंदर सर्वर्स यानी कि इंस्टेंसेस जो क्रिएट होते हैं उनकी बिलिंग को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, कि अगर आपका कोई यूजर है जिसने एक साल तक की कोई अपना कोई सर्वर ऑन करना है तो आप उसकी कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। AWS आपको क्या नाम है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस की ऑप्शन देता है, तो वो आपके पास बिलिंग कम करने के एक फीचर्स अवेलेबल है जिससे आप अपने बिलिंग यूजर की बिलिंग को, क्लाइंट की बिलिंग को कम से कम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना जो है मॉडल डिजाइन कर सकते हैं। आखिरी चीज हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट एग्जाम के बारे में। एग्जाम जो है AWS का, क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्जाम जो है वो 90 मिनट्स का होता है। इसकी ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, $100 इसके चार्जेस हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद 65 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में और ये मोस्टली मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ही होते हैं। और मोस्टली मैंने आपको बताया कि आपको जो पीछे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है। और आपके पास आखिरी ऑप्शन यानी कि ये है कि आपने अब एग्जाम कैसे देना है। एग्जाम या तो आप टेस्टिंग सेंटर में जाके दे सकते हैं या आप किसी ऑनलाइन प्रॉक्टर के थ्रू भी दे सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जो एग्जाम दिया था, मैंने एग्जाम जो है वो प्रॉक्टर के थ्रू दिया था। प्रॉक्टर में क्या होता है कि आप अपने एग्जाम को रजिस्टर करते हैं, AWS की जो सर्टिफिकेशन पोर्टल है वहां से रजिस्टर करते हैं और बेशक VUE, पियर्सन VUE के थ्रू या PSI के थ्रू, जिसके थ्रू मर्जी आप प्रॉक्टर अपना जो है वो डेट फाइनलाइज करते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे प्रॉक्टर एग्जाम देना है। जब आप प्रॉक्टर एग्जाम, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उससे तकरीबन एग्जाम से आधा घंटा पहले, 30 मिनट्स पहले आपको अपना सिस्टम रेडी करना है। उस लैपटॉप में या उस सिस्टम के अंदर आपके पास वेबकैम अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन आपके पास ना हो। आपका जब वो प्रॉक्टर एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपका पूरे रूम का एक ओवरव्यू लिया जाता है, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्क्रीनें भी भेजें और आप अपने लैपटॉप को मूव करके टेबल के नीचे राइट लेफ्ट ऊपर सारा दिखाएंगे। एंड देन जब आपकी सारी चीजें वेरिफिकेशन, आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन, आपके नेम की वेरिफिकेशन जब हो जाएगी, देन यू कैन अपीयर फॉर द स्टार्ट फॉर द एग्जाम। सो एग्जाम के लिए कोई परेशानी नहीं लेनी। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपको मोटिवेट करना है कि इस एग्जाम के लिए कोई भी अपीयर हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको कोशिश करनी है कि आपने कंटेंट को फॉलो करना है। और ये सर्टिफिकेशन की एग्जाम की वर्थ इसलिए भी है कि आप अपने AWS, दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, आप जब इस सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर होंगे और इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करेंगे तो आपको जरूर आपकी आपकी प्रोफाइल में भी एक अच्छा एक एडिशन होगा और आपकी सैलरी में भी इसका इजाफा होगा। थैंक यू सो मच। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसके अंदर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी डिस्कस करूंगा और आपको मजीद नॉलेज भी दूंगा। बट कीप लर्निंग, कीप फोकसिंग और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मोटिवेटेड रहें, एग्जाम के लिए जरूर रुकी रहूँ। थैंक यू सो मच।